आज मैंने सबसे पहले शुक्राने के नफल अदा किए हैं, अभी अजानें नहीं हुई। आप भी सुबह फजर की नमाज़ के वक्त ज़रूर उठा करें और सुबह का अपना आगाज़ नमाज कुरान मजीद से किया करें। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ताला ने आपको नया दिन दिया, अच्छी सेहत दी। सबसे बड़ी नेमत हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है वो सेहत है। जो नेमत अल्लाह ताला ने अता की है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, तंदरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा कर सके वो कम है। आप खुद भी नमाज पढ़ा करें और दूसरों को भी नमाज पढ़ने का कहा करें। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अजान होगी फिर मैं नमाज़ पढ़ के और कुरान मजीद की सूरत यासिन पढ़ के और जो कुछ मैंने सूरतें वगैरह पढ़नी होती है रिजा के लिए, नज़र के लिए, मुश्किल दूर होने के लिए, वो फिर मैं पढ़ूँगी। और फिर बाद में मैं सो जाती हूँ, फिर मैं ज़रा लेट ही उठती हूँ। अल्लाह ताला मुझ में सब की नए दिली हाजत सारी सब की कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। मुझ में जो भी बे औलाद है अल्लाह ताला इस महीने के सदके सब की झोलियाँ भर दे, और जो रिश्ते के लिए परेशान अल्लाह ताला सब के नेक नसीब करे, जो बीमार है अल्लाह ताला सबको शफाई कामला अता फरमाए, जो भी मुसीबतों में अल्लाह ताला की मुसीबतें परेशानियाँ सब की दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह। आप भी अपने दिन का आगाज़ नमाज से कुरान जी से किया करें, सारा दिन आपका बहुत सुकून से गुजरेगा। एक हफ्ते बाद आपको मेरे व्लॉग सबसे बेस्ट मिलेंगे, मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत व्लॉग होंगे वो। एक हफ्ते बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे मैं व्लॉग बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हिम्मत दे। वो मेरी ज़िंदगी सबसे खूबसूरत लम्हात होंगे। माशाल्लाह फजर की अजानें हो रही हैं अब। ये देखो यूट्यूब फैमिली में लाइक मैंने आधी मैंने रखी है, अभी आधी मैंने इसमें डाल दी है और इसमें मैं ठंडा पानी ऐड कर दूंगी। ये पानी मैंने डाल के मैंने रख दिए और आधी मलाई मैं बाद में इसको ग्राइंड करूंगी, अब मैं ग्राइंडर चला दूंगी। ये मैंने इसे को जब ग्राइंडर में डाला था ना तो फिर बाद में ग्राइंडर से निकाल के ना ये ऐसे ही बन गई थी, क्योंकि ज़्यादा मैंने मक्खन निकालने की कोशिश नहीं की, इससे ग्राइंडर भी ख़राब हो सकती है। इसे मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ना ऐसे ऐसे वैसे घुमाऊँगी ना, देखना है कि मक्खन ना आ जाएगा। अगर ये नहीं आपके पास तो चम्मच से भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। बेस्ट तरीका जो है ना वो जो मधानी होती है ना वो बेस्ट है, उससे जल्दी हो जाता काम। देखो मैं मुझे 1 मिनट ही हुआ है हलाते हुए, ऐसे देखो मक्खन बनना शुरू हो गए। और अब इसमें ठंडा पानी मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अब ये देखें हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी थी और देखें ये देखें मक्खन अलग का हो गया है और ये सारी लस्सी बन गई है। अब YouTube फैमिली में आपको मक्खन से ना घी निकालना दिखाऊंगी, मक्खन से घी कैसे निकालते हैं, देसी घी बन जाएगा इसका। मेथी बनाना बहुत मुश्किल लगता है,
इसको तोड़ो, फिर इसको काटो। अभी मैंने इसको नमक लगा कर रखा है। इतनी मेथी बनाने के लिए ना मुझे 1.5 घंटा लगा है। मेथी को नमक लगा के ना 10 मिनट रख के ना इसको, उसका पानी ज़रूर निकाल लिया करो, ताकि ये करवाट जो है ना ख़त्म हो जाती है इसकी। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट सारा कुछ डाल दें इसमें। तो साथ में नमक, मिर्च और हल्दी भी ऐड कर दी इसमें, थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। अब हम मसाले की ना अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जितना अच्छा हम मसाला भुनेंगे ना, उतनी अच्छी हमारी हांडी बनेगी। और हांडी को हमेशा दिल से बनाया करें, और टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन खाना अच्छा बन जाता है। खाना अच्छा बने तो खाने में भी मज़ा आता है और तारीफ भी होती है। बुनाई के टाइम मैंने ना आँच हल्की कर दी है, इससे मैं 10 मिनट तक इसको ना इसकी बुनाई करूँगी 10 मिनट तक। और यहाँ मेथी में से मैंने पानी निकाल लिया था करवाट का, और मैंने इसे वॉश किया है अच्छी तरह वॉश करना, ताकि इसमें मिट्टी होती है वो निकल जाए। और इसे ऐसे टोकरी में रख डाल के ना, तो फिर इसे वॉश करते जाए, ताकि जो भी मिट्टी होगी वो नीचे चले जाएगी। फिर आपने इसे अच्छी तरह निचोड़ लेना है। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, ड्राई हुआ है पानी सारा। और साथ ही मैंने बर्तन भी वॉश करके रख दिए हैं, और बस ये थोड़े से हैं, ये भी वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर फिल्टर का पानी भर के ना बोतलों को साफ़ करके, जब भी आप बोतलों में पानी भरें ना, इसको साफ़ करके ना फिर पानी भरा करें, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। देखिए बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिया, और फिल्टर का पानी भी भर दिए सारा, साथ में आटा भी गूंदने लगे। और इधर देखिए हमारा मसाला भी तैयार हो गया। अब मैं इसमें मेथी डाल देती हूँ। खाना बना रहे हो ना, तो साथ साथ बर्तन भी वॉश कर लिया करें, खाना बना लिया करें, जो भी काम होते हैं किचन के वो कर लिया करें। और खाने को हमेशा ना आस्ता आस्ता से पकने दिया करें, ऐसे खाना भी अच्छा बनता है। ये आलू मैंने ऐड कर दिए थे माशाल्लाह से, और मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच, दम वाली आंच पर रख के बना रही हूँ। जैसे मुझे टाइम मिला, जैसे मैंने दूध भी दूसरी साइड पर गर्म कर लिया है, और यहाँ पर हांडी बन रही है। इसमें आटा लगा हुआ था, मैंने रख दिया डिप करके पानी में। आपको पता कि आजकल के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में, खाना आप अच्छा बनाया करें, टाइम लेता है खाना अच्छा बनाने में, लेकिन इसे ये है कि जितना खाना हल्की आंच पे बनेगा ना, उतना ही खाने में टेस्ट अच्छा आएगा। ऐसे गर्म ज़्यादा आंच करके सालन भी जल जाता है, और खाने में टेस्ट भी नहीं रहता, और इस तरह फिर लोगों को बातें भी सुननी पड़ती हैं। इससे बेहतर है कि आप खाने में टाइम लगा लिया करें, और साथ में जो जो घर के ज़रूरी काम होते हैं किचन के, वो साथ साथ कर लिया करें। दूध में पहले ही उबाल करके रख लेती हूँ, और फिर ये ठंडा हो जाता है, और फ्रिज में रख लेती हूँ। सुबह फिर इसकी मलाई उतार के वो भी रख लेती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं मलाई उतार के फिर मक्खन कैसे बनाती हूँ, और उसे देसी घी कैसे बनाती हूँ। जैसे सब्र का फल मीठा होता है ना, ऐसे ही खाना अच्छा बनाएं, मेहनत करें, उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, सिला भी अच्छा मिलेगा। और हमेशा बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, और नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें जितना नवाजा है ना, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया करें। जो अल्लाह ने नहीं नवाजा होता, अल्लाह ताला की उसमें कोई मसलियत होती है। अल्लाह ताला इंसान को देखता है कि मेरा बंदा कितना मुझे पसंद करता है, ना शुक्र ही करता है कि शुक्र अदा करता है। हर बात में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। जितना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही हमें नवाजेंगे कि मेरा बंदा मेरा बंदा मुश्किल वक्त में भी मेरा शुक्र अदा कर रहा है, मैं क्यों ना इससे ज़्यादा नवाजूँ। और अल्लाह के दियो मेरी रिज़्क़ से हमेशा बांटते रहा करें, अल्लाह ज़्यादा देता है। इधर देखिए मैंने रोटी भी बना ली है, उसके ऊपर देसी घी लगा दिया, और इसमें मैं हल्का थोड़ा सा देसी घी डाला है। और इधर मैंने मक्खन रख ली है, इसमें हल्की सी आंच करके ना मैंने रख दिया इसको, इसमें से देसी घी बन जाएगा। अब
मक्खन का जब रखना ना आपने बर्तन में डाल के चूल्हे पे, आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, दम से बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे आप बनाएंगे। ये देखिए यूट्यूब फैमिली, इसको मैंने पूरे 20 मिनट के लिए रखा था हल्की आंच पर। ये देखिए हमारा देसी घी निकला है मक्खन में से। अब हम इसको ना पानी से पुन लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें सारा डाल दिया घी, इसमें पहले भी घी था और बाकी जो है ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये हल्का हल्का सा जितना भी है ना, ये इतना सा बस जला है जो भी इसमें पानी वगैरह होता है। माशाल्लाह कितना अच्छा, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा ऐसे दिखाना। सब का अपना अपना तरीका होता है, मैं तो ऐसे निकालती हूँ।